हम सारे इकट्ठे होके गोपीराम जी से 3-4 बार बात करने की बात चेष्टा की, मगर गोपीराम जी ने कोई हमें समय नहीं दिया। बार बार हम गोपीराम जी से संपर्क कर रहे हैं, मगर गोपीराम जी बार बार यही जवाब दे रहे हैं, कल मिलूंगा, परसों मिलूंगा। 7:30 का जब हमने टाइम दिया और वो 7:15 बजे आके धर्मशाला से 5 मिनट हमें कॉल करने लायक भी नहीं रहे, और उसके बाद वो निकल लिए। हम 7:30 लोग 10-15 लोग इकट्ठे होके वहां गए। उसके बाद में नरेंद्र जी ने गोपीराम जी से बात की, उन्होंने स्पष्ट जवाब दे दिया कि हमारे पास नए संविधान की कॉपी है और जो कोई चुनाव नहीं होगा, नहीं कोई चुनाव होगा और धर्मशाला हमारी है। उन्होंने स्पष्ट जवाब दे दिया, इसलिए हम लोग सारे इकट्ठे होकर ब्राह्मण समाज, सर्व ब्राह्मण समाज इस बात का विरोध कर रहे हैं। आज अध्यक्ष गोपी राम जी से मैंने बात की फोन पर, उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण धर्मशाला की रजिस्ट्रेशन की कॉपी आपको नहीं दूंगा। मांगने पर उन्होंने, मैंने पूछा क्यों नहीं दोगे, तो को मैं आपको नहीं दे सकता। फिर हमने ये पूछा कि आप चुनाव कब कराओगे, क्या चुनाव भी नहीं कराएंगे। और मैंने कहा कि संस्था आपकी है क्या, वो क्या मेरी संस्था है, मैं चाहूँगा वैसे करूँगा। इस पर हमारा आक्रोश है, इसलिए हम उनके विरोध के अंदर आगे की कार्रवाई करेंगे। जी आज से 10 दिन पहले मैंने गोपीराम जी से बात की थी, मैंने कहा भी रजिस्ट्रेशन हो गया है क्या, गोपीराम जी ने बोला भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो मैंने कहा भी इस चीज़ का संविधान थोड़ा हमें भी बताइएगा, तो गोपीराम जी ने हमें ये कहा कि भी इसका कोई संविधान नहीं है, ना मैं आपको कापी दे सकता हूँ। फिर मैंने कहा भी चुनाव करके, चुनाव करवा के और अपने इस रणनीति बढ़िया तरीके से अपनाएं, ताकि समाज में अपना नाम रोशन, आपका नाम रोशन हो सके। तो गोपीराम जी ने मुझे ये जवाब दिया कि भी मैं चुनाव नहीं करवाऊंगा, मैं मेरी मर्जी से ही काम करूंगा। अब हम इस बात को लेके असंतुष्ट हैं सभी समाज के लोग कि गोपीराम जी अध्यक्ष साहब तानाशाही कर रहे हैं ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर। पूर्णतया उन्होंने अपना अधिकार जता रखा है, साथ में जितेंद्र जी सर, और उन्होंने पूर्णतया अधिकार जमा लिया कि ये धर्मशाला हमारी है। अब इस धर्मशाला से इनको क्या स्वार्थ है, जब हम चुनाव की बात करते हैं उस समय इनके कान खड़े हो जाते हैं। हिंदू देवी देवता व ब्राह्मणों के उत्थान के लिए कई बार गोपीराम जी को फोन पे संपर्क किया जाता है, किसी तरीके का ज्ञापन देने पर, किसी ब्राह्मण के अहित होने पर या किसी हिंदू देवी देवता को अपशब्द कहने पर उसके विरोध स्वरूप अगर उनको सूचना दी जाती है तो वो सिर्फ वो कह देते हैं हाँ नहीं देखेंगे। उसके अलावा वो कभी किसी तरीके का ज्ञापन नहीं देते, सिर्फ एक धर्मशाला के खेल में उलझे रहते हैं, उससे बाहर वो आते नहीं है। फोन पर संपर्क करने के बाद वो न्याय प्रिय देते नहीं। हमें जो अध्यक्ष है वो चाहिए सेवक, जो कि हर टाइम फोन करते हैं तैयार रहे, और किसी भी उस टाइम भगवान शिव की शिवरात्रि के दौरान बच्चों को गलत बातें सिखाई गई, उसके विरोध में एक अदर कास्ट का बंदा आमरण अनशन पर SDM कोर्ट के बाहर कंटिन्यू बैठा रहा, परंतु वहाँ ब्राह्मण का जो प्रतिनिधित्व करने वाला अध्यक्ष वहाँ बिल्कुल भी नहीं पहुँचा। इस चीज़ का भी हम बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। हमें जो अध्यक्ष को बनाया था वो सिर्फ 2 साल के लिए बनाया था, 2 साल के बाद उन्होंने कार्यकारिणी को बढ़ा के 4 साल कर ली। अध्यक्ष जो है हर 2 साल से नया आना चाहिए, हर बुजुर्ग को और जिम्मेवार व्यक्ति को पद मिलना चाहिए, जिससे क्या नए विचार आए और हमारा जो ब्राह्मण समाज है फुल बढ़े। सिर्फ लोभ लालच से रहित हो जो बंदा सेवा का भाव रखता हो वैसा अध्यक्ष चाहिए, जो बंदा किसी की पीड़ा के ऊपर खड़ा मिल जाए वो अध्यक्ष चाहिए। धन्यवाद।